हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बटरफ्लाई का फेस मास्क बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का पेपर। बटरफ्लाई तो बहुत सारे कलर की होती है, तो हम किसी भी कलर की बना सकते हैं। जो हमारा मन करे हम वो कलर का पेपर ले सकते हैं और उसे जितना कलरफुल बना सकें हम उतना कलरफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले पेपर लिया और उसे फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उस पर पेंसिल से आउटलाइन बनाई। उसके बाद अब मैं कट कर रही हूँ। पेपर को फोल्ड करके कट करेंगे तो दोनों साइड से बराबर कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेपर कट कर लिया है और यहाँ पर सुंदर सा बटरफ्लाई का जो शेप है वो कट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं लूँगी ब्लैक कलर का पेपर, क्योंकि अब हमें इसे इसका मुँह बनाना है। तो ये ब्लैक कलर का पेपर भी मैं फोल्ड करके कट करूँगी, क्योंकि फोल्ड करके कट करने से ये आसानी से कट होता है और जो दोनों साइड से हम कट करते हैं वो बराबर कट हो जाता है। जब भी हमें ऐसा कुछ कट करना हो जो हमें दोनों साइड बराबर करना हो, तो हमेशा पेपर को फोल्ड करके ही कट करें। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे इसके दोनों डंक। शायद तितली के डंक को बटरफ्लाई स्टिंग बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं। तो चलो, हमने यहाँ पर इन्हें कट कर लिया है और अब हम इस तरीके से इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो एक वाइट कलर था एक पेपर पे, तो हम उसे पूरा ब्लैक कर देंगे, क्योंकि मैं जो कभी कभी मेरे पास पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो जिसका मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो वाला पेपर ले लेती हूँ। मैंने जो ब्लैक कलर का पेपर है उस पर पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद वो कभी काम नहीं आया, तो मैंने सोचा इसे क्राफ्ट में यूज़ कर लूँगी। तो अब यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया है और इसके बाद लेना है ग्रीन कलर का पेपर। और ग्रीन कलर के पेपर से अब हम इसकी बनाएंगे आँखें। वैसे तो बटरफ्लाई की आँखें ऊपर होती है, लेकिन हमें बटरफ्लाई का फेस मास्क बनाना है तो इसकी आँखें बनानी पड़ेगी। और अगर हम जब इसका यूज़ करेंगे, अपने फेस पर लगाते हैं, तो आँखों के लिए स्पेस तो होना। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर कट कर लिया, उसके बाद ये वाला ग्रीन, ये मुझे समझ पता नहीं कौन सा कलर है, ये वाला पेपर कट कर लेना है। और मैं अपने अकॉर्डिंग बटरफ्लाई बना रही हूँ। आपको जैसा लगे, जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस कलर की बटरफ्लाई बनाना, और जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल हो आप वो कलर का पेपर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने दो छोटे बड़े बड़े सर्कल कट कर लिए हैं और इसके बाद मैं ब्लैक कलर के दो सर्कल और कट करूँगी। आँखों में हम जितना ज़्यादा कलर का यूज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे ब्लैक कलर के सर्कल और कट कर लिए हैं। इसके बाद हमें लेना है वाइट कलर का पेपर, क्योंकि वाइट कलर के छोटे छोटे सर्कल भी लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आंखें अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे वाइट कलर के सर्कल कट कर रही हूँ। आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर या पोस्टर कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप ब्रश से सर्कल बना सकते हैं अगर इतने छोटे सर्कल कट करते नहीं बने तो। और मैं और दो छोटे छोटे सर्कल कट करूँगी, क्योंकि ये अभी एक एक सर्कल जो मैंने वाइट लगाए हैं उससे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो दोनों सर्कल से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ ये इतने छोटे सर्कल करना, छोटे कट करना बहुत मुश्किल है। तो अब इसकी आंखें और ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं बनाऊँगी बटरफ्लाई में थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक कलरफुल बटरफ्लाई बनानी है। तो अब आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा पहले पेपर को कट करते जाती हूँ, फिर लास्ट में देखूँगी कि अच्छी लग रही है या नहीं, फिर उसके बाद पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो ऐसे सर्कल कट कर लिए हैं और अब मैं कुछ कुछ डिज़ाइन और बनाऊँगी इसी तरीके की, और हम रखते जाएँगे तब हमको समझ आएगा कि ये इसे कैसे रखने पर ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इससे इसको हम और कहीं लगा कर देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है,
तो अब मैं लूँगी ग्रीन कलर का पेपर और कुछ कुछ डिज़ाइन ग्रीन कलर से कट करूँगी। वैसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कैसा बनाना है, बस मैं बनाते जा रही थी जो मुझे समझ आ रहा था। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद मैं इसकी आईब्रो बनाना तो भूल ही गई, तो हम ब्लैक कलर से इसकी आईब्रो बना लेंगे क्योंकि फेस मास्क में आईब्रो बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी आईब्रो बनाई है इसकी, ये ठीक लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे और ये ठीक है। अब इसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ और इसमें होना चाहिए, तो मैंने लिया है ग्रीन कलर। वैसे तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, अब देखते हैं थोड़ा और कुछ सुधार के शायद ये और अच्छा लगने लगे। ये थोड़ा ठीक लग रहा है अब मुझे, थोड़ा इसका ऐसा लग रहा है मैंने मुंह और पूरा फेस कंप्लीट कर दिया हो। अब हम इन सभी को फेविकॉल से पेस्ट कर लेंगे। जैसा जैसा हमने रखा था हम वैसा ही इन सभी को पेस्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं इन सभी को पेस्ट कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। और अगर आप कोई और एनिमल ओ वर्ड की वीडियो बनवाना चाहते हो तो मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं सबकी कमेंट देखती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। और कोई और एनिमल वर्ड की फेस मास्क की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट गैलरी पर प्लेलिस्ट एनिमल ओ वर्ड के फेस मास्क पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेस मास्क आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को चिपका लिया है और यहाँ पर भी मैं छोटी छोटी आँखें बना रही हूँ क्योंकि रियल आँखें तो इनकी यहीं पर होती है ना। और कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहती थी तो मैंने इस तरीके का पेपर और कट कर लिया और यहाँ इस तरीके से इन्हें पेस्ट कर लिया। इसके बाद हमें मार्कर से कुछ कुछ आउटलाइन कर लेना है ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। हमने जो जो डिज़ाइन लगाई थी मैं उस पर भी आउटलाइन कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि ये आउटलाइन करने पे और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने लगभग सभी पे आउटलाइन कर ली। वैसे जो आँखों के पास था मैंने उसे आउटलाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर सभी में हम आउटलाइन कर लेंगे तो वो तो ख़राब दिखेगा, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हुआ और मैंने पूरे पे आउटलाइन कर डाली। वो थोड़ी आउटलाइन मेरी गड़बड़ हो चुकी है, आप आराम से आउटलाइन करें ताकि, क्योंकि ये प्रोसेस हमारी लास्ट वाली होती है। हमने पूरा फेस मास्क बना लिया और लास्ट में गड़बड़ हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो जो आप आउटलाइन करें वो आराम से करें। और फिर मैंने छोटे छोटे सर्कल बना दिए थे जिससे और ज़्यादा अच्छी लगने लग रही थी। तो अब यहाँ पर मेरा जो नहीं, रेडी नहीं हुआ अभी, ये जो ब्लैक वाला जो मैंने इसका पोर्शन बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना ली जाए। तो अब यहाँ पर हमारी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।